वेलकम ऑल। आज जो पांच इडियम्स एंड फ्रेजेज हम पढ़ने वाले हैं उनमें पहला है फेबियन पॉलिसी, हिंदी है अवसर की प्रतीक्षा करने की नीति। दूसरा ग्रीन हॉर्न, अनुभवहीन। तीसरा हैंड इन ग्लोव, घनिष्ठ मित्र। चौथा हरकुलियन टास्क, मुश्किल कार्य। फिर पांचवा तीन फ्रेजल वर्ब्स हैं, बैंक ऑन, डिपेंड ऑन, काउंट ऑन, हिंदी है भरोसा करना। देखते हैं पहले फेबियन पॉलिसी। फेबियन पॉलिसी मतलब अवसर की प्रतीक्षा करने की नीति। फेबियन का मतलब होता है अवसर की प्रतीक्षा करने वाला। इसे पढ़ते हैं फेबियन। और फिर पॉलिसी की मतलब नीति, तो इस तरह से अवसर की प्रतीक्षा करने की नीति। इसमें क्या होता है, एक ए है दूसरा बी है। ए कोई कंट्री तो बी भी कोई कंट्री हो सकता है, ए कोई पॉलिटिकल पार्टी तो बी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी। अब अगर ए फेबियन पॉलिसी फॉलो करता है तो ए कभी बी से डायरेक्ट नहीं लड़ेगा, ए बी की कमियों का फायदा उठाकर बी पर विजय प्राप्त करेगा, इससे ए को हानि भी कम होगी। इसे ही बोलते हैं फेबियन पॉलिसी। सेंटेंस में यूज है इसका, गवर्नमेंट्स फेबियन पॉलिसी ऑन चाइना इज प्रेजवर्दी। सरकार की चीन पर अवसर की प्रतीक्षा करने की नीति प्रशंसनीय है। दूसरा है ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है अनुभवहीन, अनुभवहीन। ग्रीन हॉर्न क्या होता है, हॉर्न का मतलब होता है सिंह, सिंह। हॉर्न का मतलब सिंह, जो जानवर के होते हैं सिंह वह। और ग्रीन मतलब नया, नए सिंह। जब आपने किसी काफ को देखा है, काफ का शुरू शुरू में कोई भी हॉर्न नहीं होता है, कोई भी सिंह नहीं होता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसके नए सिंह आने शुरू होते हैं, उस नए सिंह को बोलते हैं ग्रीन हॉर्न। तो इसी ग्रीन हॉर्न को जब हम इंग्लिश में प्रयोग करते हैं हम अपने लिए, तो अनुभवहीन रख लेते हैं उसका मतलब, क्योंकि नया काफ जिसका सिंह आ रहा है वह भी अनुभवहीन होता है। तो अ ग्रीन हॉर्न मस्ट फोकस ऑन लर्निंग फास्ट। एक अनुभवहीन को तेजी से सीखने पर फोकस करना चाहिए, एक अनुभवहीन को तेजी से सीखने पर फोकस करना चाहिए, ये हम प्रयोग कर देंगे। नाउ हैंड इन ग्लोव। हैंड इन ग्लोव को कहीं कहीं हैंड एंड ग्लोव भी लिखा मिलता है, हैंड एंड ग्लोव या हैंड इन ग्लोव, दोनों एक ही है। दोनों का हिंदी होगा घनिष्ठ मित्र। कैसे घनिष्ठ मित्र, आप जानते हैं क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं, क्रिकेट में ग्लोव का प्रयोग करते हैं जो कीपर होते हैं। ग्लोव का प्रयोग करने से हैंड को चोट कम पहुंचती है। दूसरा, तो इस तरह से ग्लोव सहायता करता है हैंड का। दूसरा, ग्लोव का अगर प्रयोग न करें तो ग्लोव का मीनिंग ही खत्म हो जाएगा, इसलिए हैंड न हो तो ग्लोव का मीनिंग नहीं होगा। तो इस तरह से एक तरफ तो ग्लोव हैंड की प्रतीक्षा की रक्षा करता है, और दूसरी तरफ जो हैंड है ग्लोव का अस्तित्व का कारण है। इस तरह से दोनों एक दूसरे के का सपोर्ट करते हैं, सहायता करते हैं, जैसे कि घनिष्ठ मित्र करते हैं, गहरे मित्र करते हैं। इसलिए हैंड इन ग्लोव या हैंड इन ग्लोव की हिंदी है घनिष्ठ मित्र। राम एंड श्याम आर हैंड इन ग्लोव टू ईच अदर। राम और श्याम एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं। फिर है हरकुलियन टास्क। हरकुलियन, इसे पढ़ते हैं हरकुलियन, हिंदी होती है जो इधर वर्ड है, मुश्किल। हरकुलियन की हिंदी मुश्किल, टास्क मतलब कार्य, तो इस तरह से हिंदी होगी मुश्किल कार्य। सेंटेंस में यूज किया हमने बिकमिंग अन आईएएस इज अ हरकुलियन टास्क। एक आईएएस बनना, बिकमिंग अन आईएएस, एक आईएएस बनना एक मुश्किल कार्य है, हरकुलियन टास्क है। नाउ जो लास्ट है, लास्ट फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब में जब प्रीपोजिशन लगता है और उसका मीनिंग बदल जाता है तो फ्रेजल वर्ब कहते हैं।
तो बैंक ऑन, बैंक बैंक का मतलब ऐसे भरोसा करना होता है, डिपेंड का मतलब निर्भर रहना होता है, और काउंट का मतलब भरोसा करना होता है। और प्रीपोजिशन में बैंक के साथ ऑन, डिपेंड के साथ भी ऑन और काउंट के साथ भी ऑन का प्रयोग होता है, और मीनिंग इनका होता है, तीनों का ही होता है भरोसा करना। तो आप याद रखेंगे बैंक ऑन, डिपेंड ऑन, काउंट ऑन, तीनों का मीनिंग भरोसा करना। अ फादर शुड बैंक ऑन ही चिल्ड्रेन, एक पिता को अपने बच्चों पर भरोसा करना चाहिए। तो इस तरह से पांच जो इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं, पहला फेबियन पॉलिसी समझने की हमने कोशिश की, अवसर की प्रतीक्षा करने की नीति क्या होती है, ग्रीन हॉर्न, जो जानवर का हॉर्न आना शुरू होता है उसे ग्रीन हॉर्न बोलते हैं, और उसको हम अगर मानवीकृत करते हैं तो उसको अनुभवहीन बोल देते हैं, और अनुभवहीन का प्रयोग सेंटेंस में यहाँ पे किया। हैंड इन ग्लोव देखा, हैंड का ग्लोव के लिए क्या महत्व है, ग्लोव का हैंड के लिए क्या महत्व है, जिस तरह से गहरे मित्र, दो गहरे मित्रों मित्र एक दूसरे जुड़ी होते हैं, वैसे ही हैंड इन ग्लोव या हैंड इन ग्लोव है घनिष्ठ मित्र, यूज किया सेंटेंस में यहाँ पे। हरकुलियन टास्क, हरकुलियन का मतलब ही होता है मुश्किल, टास्क मतलब कार्य, मुश्किल कार्य, मुश्किल कार्य का यूज किया सेंटेंस में, बहुत ही सुटेबल। एंड फ्रेजल वर्ब्स, बैंक ऑन, डिपेंड ऑन, काउंट ऑन, भरोसा करना। थैंक यू वेरी मच।